Assalamualaikum. Welcome to my channel. This is Humaira Amjad, Independent Director. आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ. आपके लिए एक चैनल लेकर आई हूँ जिसमें मैं और मेरी टीम आपके लिए बिजनेस और ब्यूटी से रिलेटेड बेहतरीन टिप्स, ट्रिक्स और बहुत अच्छी अच्छी न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसको साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कीजिएगा. साथ में ही बेल आइकन है, इसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको वक्त से पहले मिले और आप मेरी वीडियोस को वॉच कर सकें. जी फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ स्किन केयर से रिलेटेड एक बेहतरीन प्रोडक्ट के रिव्यू देने जा रही हूं और वो है एसेंशियल. एसेंशियल के बारे में आपको बताती चलूं कि एसेंशियल हमारी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो पहले भी जो है बहुत ज्यादा लोगों में पसंद की जाती थी और इस बार जुलाई की कैटलॉग में ओरिफ्लेम ने इसको जो है न्यू अपग्रेड करके लॉन्च किया है और इसके अंदर मजीद इतने बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जिसकी वजह से ये हमारे लिए और ज्यादा बेहतरीन हो गई है. एसेंशियल में इस वक्त हमारे पास आया है फेस वॉश, इसी के साथ साथ हमारे पास आई है फेस क्रीम, इसके साथ साथ एक बेहतरीन सा मास्क और पूरी फैमिली के लिए भी मल्टीपर्पज हमारी फेस क्रीम. ये क्रीम हमारी जो मल्टीपर्पज क्रीम आई है ये पूरी फैमिली के लिए है, मतलब बच्चे, बड़े, जेंट्स, लेडीज सब इसको यूज कर सकते हैं. आपको एक और बात बताती चलूँ कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड होती हैं और डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड होने के साथ साथ क्लिनिकल प्रूवन रिजल्ट्स भी हमारे पास आते हैं. मुझे एसेंशियल एक्चुअली पसंद क्यों है या मुझे ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स पसंद क्यों है, मुझे ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स पसंद इसलिए है क्योंकि ये नेचर प्लस साइंस का कॉम्बिनेशन है. और इसके साथ साथ इसकी ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं ये सारी की सारी साइंटिस्ट तैयार करते हैं. अब जो एसेंशियल हमारे पास आया है ये पैराबेन फ्री है, एल्कोहल फ्री है और सोप फ्री है. अब बात करते हैं कि जो अपग्रेड होकर आया है तो इसमें क्या क्या ज्यादा इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज आई हैं. इसमें जो अहम प्रॉपर्टीज आई हैं वो विटामिन ई है, कैनोला ऑयल है, विटामिन B3 शामिल है इसके अंदर. चले बात करते हैं विटामिन B3 करता क्या है. विटामिन B3 की जो प्रॉपर्टी है या जो क्वालिटी है वो क्या है, वो आपके फेस के जो मॉइस्चराइजर को लॉक कर देता है. नॉर्मल वो स्किन जो ड्राइनेस की तरफ जा रही होती है, जिनके बिल्कुल मॉइस्चराइजर खत्म हो जाता है, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है विटामिन B3. और वही प्रॉपर्टी हमारी इस सेट के अंदर मौजूद है. इसके बाद आ जाता है कैनोला ऑयल. कैनोला ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो कि बेनिफिशियल है ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए. इसके अंदर जो फैटी एसिड शामिल हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन के जो वर्किंग है उसको हेल्दियर बनाने में मदद देते हैं. जी, कैनोला ऑयल की प्रॉपर्टीज में एक और चीज शामिल है और वो है फाइटोस्टेरॉल. फाइटोस्टेरॉल क्या काम कर रहा होता है, ये हमारी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी को जो है बढ़ाता है. हमारी स्किन के अंदर जो रफनेस आ जाती है ये उसको डिक्रीज करता है और हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाकर हमारी स्किन के अंदर जो है कोलेजन को जो है इंक्रीज करता है, कोलेजन को प्रोड्यूस करता है. एज अ सप्लीमेंट्री कैनोला ऑयल जो है वो हमारे लिए बेहतरीन वर्किंग कर रहा है और इसके अंदर जिस तरह से काम हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि ड्राई स्किन वाले या सेंसिटिव स्किन वाले वो अगर इसको यूज करें तो जो उनको अपनी ड्राइनेस की वजह से जो उनकी स्किन डल हो जाती है, लाइन्स आना शुरू हो जाती हैं, स्किन एकदम से बुढ़ापे की तरफ जा रही होती है, उसकी फॉर्मनेस खत्म हो जाती है, उसकी सपलनेस खत्म हो जाती है, ये उसको कवर करने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. सबसे पहले बात करते हैं फेस वॉश की. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि फेस वॉश का किस तरह का इसका टेक्सचर है. ये फेस वॉश मैं क्योंकि पहले भी खोल चुकी हूँ, एक बार आपके सामने दोबारा खोल रही हूँ क्योंकि मुझे चेक करना था. देखिए, मैंने आपसे कहा था कि नॉन सोपी है, तो ये देख रहे हैं आप बिल्कुल जेल फॉर्म में मौजूद है और इसको मैं आपको अभी दिखाती भी हूँ करके. ये देखिए ये कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है, अभी आप देखिएगा जब आप एक मिनट का इसका आप करिए, आपको एक मिनट के मसाज में ही ये आपकी बेहतरीन क्लींजिंग करेगा. ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका जेल का टेक्सचर जो है वो किस तरह से क्रीमी टेक्सचर में चेंज हुआ और आपके कितनी स्मूथली ये जो है आपकी क्लींजिंग कर रहा है. एक मिनट आपने इसको करना है, बहुत है आपके लिए. आप जिस तरह से नॉर्मल अपना फेस वॉश करते हैं वैसे ही फेस वॉश कीजिए. एक दफ़ा यूज़ करना है एक दफ़ा यूज़ कीजिए, जितनी दफ़ा आप फेस वॉश करते हैं यूज़ कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज शामिल हैं विटामिन ई की, विटामिन B3 की और इसके साथ साथ कैनोला ऑयल की, वो आपकी स्किन के मॉइस्चराइजर को इंक्रीज करेंगे. इसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ, चलिए इसको तो मैं अभी रिमूव कर देती हूँ, क्लीन कर दिया है. आपको एक और बात बताऊँ कि फेस वॉश हमारा जो एसेंशियल का आया है ना, ये ट्रिपल एक्शन है.
ये क्लींजिंग भी कर रहा है, रिफ्रेशिंग भी कर रहा है और साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी कर रहा है हमें। अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी फेस क्रीम की तरफ। फेस क्रीम एसेंशियल, मैं आपको बार बार बता चुकी हूं कि हमारी क्या काम कर रहा है, हमारी ड्राई स्किन वालों के लिए और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत जबरदस्त है। ये मैंने पहले भी खोला था, इसको दोबारा खोल रही हूं ताकि बता सकूं कि इसके क्रीम का टेक्सचर किस तरह का है और इसकी प्रॉपर्टीज भी मैं आपको बता चुकी हूं। डे एंड नाइट इसको यूज किया जा सकता है, टीनएजर्स इसको बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर फेयरनेस फॉर्मूला भी शामिल है, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन जो है खुद आप देखें जब इसे यूज करेंगे तो कितनी जबरदस्त होगी। और ड्राई स्किन वालों के साथ जो एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना कि उनकी स्किन हर वक्त खिंचती रहती है, रेडनेस हो जाती है, इचीनेस हो जाती है, तो वो सारी चीजों को कवर कर लेगा क्योंकि उनके जो फेस का मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है। और अब वो जब इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट यूज करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। ये मैंने बिल्कुल थोड़ी सी निकाली है अभी क्योंकि मेरी स्किन भी जो है नॉर्मल टू ड्राई है, तो इसलिए ये जो है मुझे तो इसको लगाने में बहुत ही मजा आया, मतलब इतना अच्छा रिजल्ट आया है, इतनी स्मूथली सा इसका टेक्सचर है। सबसे अच्छी बात तो ये है बहुत ही लाइट है, इसकी सेंट बहुत अच्छी है और जो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगी ना, एब्जॉर्ब बहुत आराम से हो रहा है। एब्जॉर्ब होने के बाद चिपचिपाहट नहीं दे रहा, बहुत आराम से जो है ना ये फेस स्किन के अंदर एब्जॉर्ब भी हो रहा है और स्किन को स्मूथ भी बना रहा है, सॉफ्टनेस टच दे रहा है और शाइनी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हो रही है। और ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मेरी अपनी स्किन जो है वो नॉर्मल टू ड्राई है, तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं रिजल्ट मेरे का। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, हाइड्रेटेड हुई हुई है फुल टाइम, कहीं से भी कोई ड्राइनेस कोई रफनेस फील नहीं हो रही। दोनों हाथों का रिजल्ट आपके सामने है, बिल्कुल इस फेस के ऊपर भी आपका इसी तरह का रिजल्ट आएगा। जी जनाब, अब आते हैं हम एसेंशियल फेस मास्क की तरफ। एसेंशियल फेस मास्क जो है वो भी क्या जबरदस्त काम कर रहा होता है, डीप क्लींजिंग कर रहा होता है और उसी के साथ साथ 12 आवर्स तक हमारी स्किन को जो है हाइड्रेट करता है। इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है, आपने इसको लिया और थोड़ा सा लेने के बाद, चले मैं आपको इसका टेक्सचर भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये जो मास्क है इसको आपने क्या करना है, हल्का हल्का सा अपने यहाँ पे एक थिन लेयर पूरे फेस पर लगा देनी है। ये पूरी थिन लेयर आपने इसको लगा दी है, आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने यहाँ पे बिल्कुल एक थिन लेयर लगाई थी इसकी और इसको मैंने 10 मिनट के लिए जो है स्टेबल पोजीशन पे रख दिया था, लगा के छोड़ दिया था, ऑटोमेटिकली ये एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद मैंने हल्का सा इसका मसाज किया और मसाज होने के बाद ये पूरी की पूरी इसके अंदर स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। अब आप मेरे दोनों हाथों का टेक्सचर देखिए, हमें इसको लगाने के बाद रिंस नहीं करना है बल्कि इसको एब्जॉर्ब कर देना है। फायदा क्या होगा इस मास्क को लगाने के बाद कि ये मास्क ऑटोमेटिकली हमारी स्किन के अंदर हाइड्रेशन पैदा करेगा, हमारी स्किन जो डलनेस की तरफ जा रही है वो सेटिंग होना शुरू हो जाएगी और इस स्किन के जो एक पीएच लेवल जो हमें चाहिए होता है, एक स्टैंडर्ड हमें अपनी स्किन का चाहिए होता है, वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो इस मास्क के ये फायदे, आप हफ्ते में 2 दफा इस मास्क को अप्लाई कर सकते हैं। एक और एसेंशियल की जबरदस्ती मल्टीपर्पज क्रीम के लिए, और अब आपको ये खोल के मैं दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि सबसे पहले इसका टेक्सचर क्या है। इसको मैंने पहले भी खोल के चेक किया था, मुझे इसको लगाकर बहुत अच्छा लगा था। आप इसका ये टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना क्रीमी सा और कितना लाइट सा टेक्सचर है इसका। और इसको जो हूँ मैं, ये देखें आप लोग कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। इसमें देखें कनोला ऑयल शामिल है, विटामिन ई शामिल है, इतनी तमाम चीजों को शामिल होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना स्मूथ है, कितनी परफेक्ट ब्लेंडिंग हुई हुई है। और इसको आप जो है, मैं यहाँ पे अप्लाई करके भी दिखा रही हूँ कि कितना स्मूथली आपकी स्किन के अंदर जो है ना एब्जॉर्ब हो जाता है। मल्टीटास्क क्रीम है, आप इसको अपने हैंड के लिए, बॉडी के लिए, अपने फुट्स के लिए सब जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएंगे क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज डली हुई हैं उन प्रॉपर्टीज में क्या क्या कुछ नहीं है। फर्मनेस लेकर आता है, नरिश करता है आपकी बॉडी को, स्मूथनेस लेकर आता है, सॉफ्ट करता है। सबसे अच्छी बात क्या रही है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एक कमी हो जाती है मॉइस्चराइजर की, उसको लॉक भी करता है और साथ साथ हाइड्रेट भी करता है। तो इसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं, बच्चे बड़े सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राइनेस की तरफ जा रही है वो इसको यूज कर सकते हैं, जिन लोगों को अपनी स्किन में रफनेस फील हो रही है वो इसको जरूर यूज करें, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और ये मतलब इतना
खूबसूरत सा इसका लुक आ रहा है, हल्का हल्का सा शाइनी ग्लो भी आ रहा है और कहीं पे भी मुझे कोई चिपचिपाहट सी फील नहीं हो रही कि जी इसमें ऑयल शामिल है तो कोई चिपचिपाहट सी हो, ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। बल्कि आप देखिए तो मेरी स्किन एकदम स्मूथ हो गई है। यहाँ आपको दोनों तरफ नजर आ रहा होगा कि ये हाथ मेरा कितना ड्राइनेस की तरफ है और ये कितना, और इसको लगाने के बाद मुझे कहीं से भी ये फील नहीं हो रहा कि मेरे स्किन के ऊपर कोई ऑयल है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी बता रही हूँ कि मेरी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है, तो मुझे जितने परफेक्ट इसके रिजल्ट मिल रहे हैं इसको मुझे फील हो रहा है, मतलब मुझे खुद अच्छा लग रहा है इसको लगाते हुए, और ये आप देख सकते हैं। तो आप में से जितने लोगों की भी स्किन जो है ड्राइनेस की तरफ जा रही है, डिहाइड्रेशन की तरफ जा रही है, डलनेस की तरफ जा रही है, तो आप ज़रूर जो है इसको अप्लाई कीजिए। देखिए सर्दियों में तो ये वाकई बहुत बेहतरीन वर्क करेगा बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की स्किन गर्मियों में भी ड्राई होती है। तो रिजल्ट आपके सामने है, सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर बताई हैं एसेंशियल की। ये जो नई प्रोडक्ट अभी हमारे पास आई है बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आई है, टीनेजर्स के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, और वो सारे लोग जो कि जिनकी ड्राइनेस उनके कंट्रोल में नहीं आ रही है वो एक बार इसको ज़रूर अप्लाई करें, बहुत अच्छे उनको जो है इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। होप कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको जो हूँ तमाम चीज़ों के बारे में बताऊँ, एसेंशियल की तमाम प्रॉपर्टीज़ को जो हूँ डीपली डिफाइन करूँ। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको समझ में ना आए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं आपके साथ अपना लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उस पर मुझे मैसेज कीजिए। किसी को किसी भी तरह की स्किन कंसल्टेंसी चाहिए, या आपको अपने हेयर कंसल्टेंसी चाहिए, या इसके अलावा अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कोई कंसल्टेंसी चाहिए हो, तो ज़रूर ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, आपके इंशाल्लाह ताला फ़ौरन रिप्लाई मिलेगा। अगली बार फिर हाजिर होंगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ।